हेलो फ्रेंड, हम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम मटर पनीर की सब्जी बनाकर रेसिपी में आपको दिखाएंगे। तो देखिए, ये दो टमाटर ले लिए हैं, अभी हम इसको कट करेंगे इस तरह, और दो प्याज ले लिए हैं, इसको चार भाग कर लिए थे छीलते वक्त ही, इसका देखिए चार भाग कर लिए हैं, और अदरक ले लिए हैं 1 इंच लगभग, 5-6 हरी मिर्च ले लिए हैं, और लगभग 4-5 लहसुन की कलियां ले लिए हैं। अभी इसको कट करके आपको दिखाते हैं। देखिए, प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, इस तरीके से काट लेना है प्याज को, इस तरह, क्योंकि मिक्सर जार में वैसे ही बारीक हो जाता है। इस तरह से बहुत बारीक नहीं काटना है, मोटा मोटा ही काटना है। कि प्याज इतना कट कर लिए हैं, दो प्याज हम कट कर लिए हैं, अब हम टमाटर कट करने जा रहे हैं इस तरह से, बड़े बड़े आकार में कट कर लेंगे इस तरह। देखिए, इस तरह कट कर लें। बड़े बड़े टुकड़े कट कर लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसको। आप चाहे इसको रोस्ट करके मिक्सर जार में पीस सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही पीस सकते हैं कट करके, कोई ज़रूरी नहीं है रोस्ट करना, क्योंकि हलवाई लोग अक्सर ऐसे ही जो है मिक्सर जार में पीसते हैं कट करके। देखिए, हमारा सारा टमाटर जितना लिए थे, दो टमाटर लिए थे, दोनों कट हो गया है। अब हम लहसुन की कलियां कट कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने दें तो ऐसे ही पिसा जाएगा। अब हम 5-6 हरी मिर्च लिए थे, इसको दो भाग कर ले रहे हैं। देखिए, हरी मिर्च की दो भाग कर लिए। अभी अदरक 1 इंच लिए हैं, इसको भी पतला पतला काट लें, नहीं तो फिर आप कद्दूकस कर लें इसको, हम पतला पतला काट ले रहे हैं इसको। इस तरह आप काट सकते हैं चाकू से। देखिए, इस तरह हम अदरक कट कर लिए हैं, और मिर्च, हरी मिर्च भी कट कर लिए हैं, लहसुन भी कट कर लिए हैं। लहसुन नहीं कट किए हैं क्योंकि लहसुन ऐसे भी पीसा जाएगा मिक्सर जार में। अब हम मिक्सर जार में चल रहे हैं, सारे जो भी आइटम लिए हैं सारे मिक्सर जार में पीस ले। देखिए, मिक्सर जार में हम कटा हुआ प्याज डाल दे रहे हैं इस तरह। देखिए, इस तरह प्याज डाल दिए, कटा हुआ अदरक डाल दे रहे हैं इसी में मिक्सर जार में, और कटा हुआ हरा मिर्च डाल दे रहे हैं, लहसुन की 5-6 कलियां जो लिए थे इसको भी डाल दे रहे हैं मिक्सर जार में, और दो टोमेटो लिए थे इसको भी मिक्सर जार में डाल दे रहे हैं। सब एक साथ पीस लेंगे।
यहीं पे मिक्सर जार में हम थोड़ा सा पानी यहीं डाल दे रहे हैं, क्योंकि पानी से थोड़ा सा अच्छा पीसेगा। देखिए देखिए ये पूरा जो आइटम हम लिए थे, टोमेटो कटा हुआ, प्याज अदरक कटा हुआ 1 इंच, और लहसुन की कलियां और हरा मिर्च जो कटा हुआ था, सब हमने इसमें पीस लिया है। ये देखिए मिक्सर जार में कंप्लीट हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम निकाल ले रहे हैं किसी पॉट में। देखिए पिसा हुआ जो भी आइटम था मिक्सर जार में पीसे थे, उसको हम पॉट में निकाल ले रहे हैं इस तरह। देखिए इतना पूरा पिसा हुआ जो टोमेटो और प्याज अदरक लहसुन और हरी मिर्च था, सारा पीस गया है। 500 ग्राम पनीर ले लिए हैं, अब इसे हम कट कर रहे हैं। कट करके इसको कढ़ाई में फ्राई करेंगे, इस तरह मोटा मोटा कट करेंगे, बहुत पतला भी नहीं करेंगे और बहुत मोटा भी नहीं करेंगे, इस तरह कट करेंगे। इस तरह मोटा मोटा कट करेंगे सारे पनीर को। चाहे तो आप छोटा भी कट कर सकते हैं, पतला भी कट कर सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार। इस तरह देखिए इस तरह हम कट कर लिए हैं। देखिए आप इससे भी बड़े साइज में कट कर सकते हैं, जो बड़ा बड़ा आता है, खाली पनीर जो बनाते हैं उसमें, और बड़ा बड़ा कट कर सकते हैं। देखिए सारा पनीर हम कट कर लिए हैं, छोटा भी किए हैं, बड़ा भी किए हैं, आप जैसा भी चाहें छोटा बड़ा किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब हम इसको जा रहे हैं फ्राई करने। गैस ऑन कर दिए हैं, गैस जला दिए, हम कढ़ाई चढ़ा रहे हैं। कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो इसमें सरसों का तेल डालेंगे। देखिए कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें हम तेल डाल दे रहे हैं। अब हमारे तेल में धुआं आने लगेगा, तब हम इसमें पनीर डाल के फ्राई करेंगे। देखिए तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम पनीर डाल करके फ्राई करने जा रहे हैं। देखिए पनीर एक तरफ हो गया है रेड कलर, अब हम दूसरी तरफ इसको पलट दे रहे हैं इस तरह। इस तरह देखिए रेड हो गया है। देखिए पनीर ब्राउन कलर में हो गया है इस तरह, देखिए सारा ब्राउन कलर में हो गया है इस तरीके से। इस तरह देखिए सारा ब्राउन हो गया है, अब इसको हम बाहर निकाल ले रहे हैं इस पॉट में।
इस तरह देखिए सारे पनीर को हम फ्राई कर लिए हैं। अब हम एक पॉट में इसको निकाल ले रहे हैं। यहीं पे हम देखिए जीरा का तड़का दे रहे हैं, जीरा और लाल मिर्च पाउडर तड़के के रूप में डालेंगे और एक चम्मच रोस्ट किया हुआ बेसन डालेंगे। तरह हम देखिए तीनों को अच्छे से पका लेंगे कढ़ाई में। देखिए यहीं पे हम एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं, अब इसको भी इसी में मिला देंगे। अब पिसा हुआ जो हम मिक्सर जार में पीसे थे टोमेटो प्याज और हरा मिर्च अदरक और लहसुन 5-6 कली उसको हम यहीं पे डाल दे रहे हैं। देखिए अब इसको इस तरह पका लेंगे अच्छे से। देखिए यहीं पे मसाले में ही हम नमक डाल दे रहे हैं, लगभग 1.5 चम्मच। ये मसाले के साथ नमक भी पक जाएगा। अब हम इसको पका लेते हैं, ढक्कन से कवर कर दे रहे हैं। देखिए ढक्कन से कवर कर दे रहे हैं लगभग 5 मिनट तक। देखिए हम ढक्कन को ओपन कर रहे हैं। देखिए मसाला पक चुका है। अब यहीं पे हम अपने इच्छा अनुसार पानी डालेंगे। जैसे पतला ग्रेवी रखना है तो कम डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे, और ज़्यादा गाढ़ा रखना है तो कम डालेंगे। देखिए इतना हम पानी यहाँ पे डाल दिए हैं इस तरह। चावल से खाना हो तो ग्रेवी पतला रखेंगे, ज़्यादा ग्रेवी रहेगा, और रोटी से खाना है या पूरी से खाना है, पराठा से खाना है तो ग्रेवी कम रखेंगे, गाढ़ा रहेगा। इस तरह ग्रेवी हमारा इसी तरह पानी डालेंगे, और कम रखना है तो कम डालेंगे, ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा पानी डालेंगे। अब हमारा ये मसाला पानी पकने लगेगा पूरा मसाला, तब हम इसमें पनीर डालेंगे कुछ देर के बाद। यहीं पे हम देखिए 100 ग्राम लगभग मटर डाल दे रहे हैं। मटर पक जाएगा जब, तब हम यहाँ इसमें पनीर डालेंगे। अब हम लगभग 10 मिनट के लिए ढक्कन से कवर कर दे रहे हैं। मटर हमारा जब पक जाएगा तब हम इसको ओपन करके पनीर डालेंगे। अब 10 मिनट हो गया है, अब हम ढक्कन को खोल ले रहे हैं, देख रहे हैं मटर हो गया है कि नहीं हुआ है। देखिए इस तरह मटर हो गया है, ये दबा के देखने पता चल रहा है। ये देखिए कि मटर हो गया है। देखिए अब हम यहाँ पे पनीर डाल दे रहे हैं। देखिए इस तरह सारे पनीर को हम डाल दे रहे हैं। पनीर हम डाल दिए हैं इस तरह। देखिए अब हम कुछ देर के लिए इसको
ढक दे रहे हैं ढक्कन से। ढकने के बाद थोड़ी देर पनीर जो हमारा पक जाएगा तब इसको ओपन करके देखेंगे। लगभग 5 मिनट तक पनीर को पकने दे रहे हैं। देखिए पनीर हमारा हो गया है, पनीर और मटर की सब्जी पूरा पूरा तैयार हो गया है। अब हम इसमें गार्निश के लिए धनिया पत्ती, फ्रेश धनिया पत्ती काट के डाल दे रहे हैं। अब गैस को ऑफ कर दे रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ढक्कन से कवर कर दे रहे हैं, धनिया पत्ती हमारा मुलायम हो जाए। देखिए ढक्कन को ओपन कर रहे हैं। अब आपको हम सर्व करके दिखा रहे हैं, अब आपको सर्व करके हम देखिए दिखा रहे हैं इस तरह। कितना बढ़िया पनीर बना हुआ है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह आप भी अपने घर में बनाइए और खाइए। पूरी, पराठा, रोटी, चावल, चाहे जिसके साथ आप खाना चाहें किसी के भी साथ खा सकते हैं। इस तरह पनीर की सब्जी बनाइए। आपको हमारा मटर पनीर का सब्जी ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक हम मिलते हैं अन्य रेसिपी के साथ, अच्छे और नए रेसिपी के साथ। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय फ्रेंड्स।